आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है। मैं जाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। क्या हम इतने कमजोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम इनको नहीं देख सकते थे क्या? हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। निगरान हुकूमत इस कल के वाकये की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग इसमें मुलविस हों तो जो कानून के मुताबिक सजा होती है हम उसके लिए तैयार हैं। हमने इस शहर में रोह से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रोह का तसल्लुत था, तुम इस शहर को दोबारा रोह के हवाले करना चाहते हो। कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शह मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे और ये चाहेंगे कि शहर के अंदर फिर उस तरह से लोगों की जाने जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में जवाब खप्पे जे प्रोग्राम से गड आओ आए हैं अवहां जी होस्ट ईशा अयूब। जी तो नाज़रीन अवा के खबर हुंदी चूंडन जी गहमा गहमी लगी पया है इलेक्शन जे हवाले सा जी को ही इलेक्शन जे हवाले सा जी को आसा प्रोग्राम में स्टार्ट कंदा सी ही जी को पीपीआई एमक्यूएम जो जी को मामलो हली रहो है चूंडन जे हवाले सा सीनियर सहाफी फयाज नायत साहब मौजूद आहन। सर अवा के वेलकम चवंदा सी पंज प्रोग्राम में आई असा सा ऑडियो लिंक ते मौजूद आहे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सो सब का पहरी असा सर हारिस नवाज का पुछंदा सी त सर बुधाए जो त कराची में इलेक्शन से पहले पार्टियों के दरमियान जो झड़पे हो रही है मुस्तफा कमाल ने भी धमकियां दी, आप क्या कहेंगे? डिटेल में कॉन्फ्रेंस किए, उनको लेवल बताया, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन पास किए कि इन केस ऑफ अगर आइंदा के लिए किसी ने भी कानून को हाथ दिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इवन के जिन्होंने फायरिंग की है क्लशन को फायर करने के खिलाफ भी रेड होंगे, इनको पकड़ा जाएगा इरिस्पेक्टिव वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये माहौल बताने का बहुत अच्छा सख्त तरीका है और इसमें ये भी हमने कहा कि कोई भी डिस्प्ले ऑफ वेपन नहीं हो सकेगा, ये भी हमने उनको बड़ा क्लियर बता दिया है और अगर इसके खिलाफ आइंदा कोई करता है तो बड़ी सख्त एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी। जी अच्छा सर, ये बताइएगा अगर इलेक्शन के दिन ऐसा वाकया पेश आ गया तो आप क्या आपने क्या हिकमत अमली आपने क्या जोड़ी है? बी नॉट देयर पीसफुल पार्टी है, लेकिन अगर इसमें आपके निर्णय के एलिमेंट है वो सरपसंदी करें तो खिलाफ बर्फ पानी हाथ लिया जाएगा। इवन इसके खिलाफ अलावा भी अगर पीपल्स पार्टी के जीडी के या एमक्यूएम के कोई लोग भी कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा और बड़े सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इट शुड बिकम एट डिटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिटिकल पार्टीज की कारकुनों की जिम्मेदारी है कि माहौल को खराब मत करें और पीसफुल फेयर ट्रांसपोर्ट इलेक्शन करने में मदद करें और इसके लिए हमने उनको बड़ा लहेमल बताया हुआ कि अगर आपने कोई भी कॉर्नर मीटिंग करनी है जलसा करना है रैली निकालनी है हमें पहले ही बताएं ताकि पुलिस और रेंजर्स आपकी सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंज कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल पार्टियां अभी से इदारों पे जो इल्ज़ामात लगा रही है इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी मौजूद अहलकारों पर इल्ज़ामात ना लगे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, हमें किसी के इल्ज़ामात की परवाह नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस रेंजर्स और हमने जो एक्सिलरी लोग डिपार्टमेंट से मंगवा रहे हैं सबको हमने ट्रेनिंग कर दी है, पुलिस से बुला के उनको दो दो दिन की ट्रेनिंग की और बकाया लोगों को ट्रेनिंग खुद अपने दिल्ली हेडक्वार्टर करेंगे। बात यह है कि हमने माहौल ठीक रखना है, कोई भी जो हम देखेंगे कि कोई शरणदेजी कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, शैतानी कर रहा है किसी पार्टी से अक्रॉस द बॉर्डर हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल लीडर भी इनमें से चाहे वो एमपी का हो एमएनए का कोई भी हो अगर वो इनको इनकरेज कर रहे हैं करते हैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई कह रही है पीटीआई पार्टी कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और अब आप क्या आप बताइए कि पीटीआई को सिंध में जो कैंपेन करने की मुकम्मल इजाज़त है या नहीं और ये जो और क्या जलसों रैलियों के लिए आपको दरख्वास्तें मौसूल हुई है या नहीं? यही इशू है जो पार्टी इतराज करती है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आप टाइम के ऊपर 24 से 48 आवर पहले इन्फॉर्म करें जी, चाहे रैली हो कॉर्नर मीटिंग हो या आपने जलसा करना हो ताकि पुलिस
प्रॉपर तरीके से अरेंजर्स, आपकी सिक्योरिटी का इंतजार करें, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अवाम में हम किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहते, ताकि जानी माली नुकसान की है, हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, टाइम पर बताएं, ताकि हम सोच समझ के आपको इमीडिएट इजाजत दें और उसके लिए भी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी अरेंज की जाए। सही। अच्छा सर, सर फयाज साहब अवां छा चवंदा इन हवाले सां? ॾिसो तमामु बदकिस्मती जी ॻाल्हि आहे इशा त पाकिस्तान जे अंदरि चूंडूं जेके आहिनि उन में शयूं एॾियूं वायलेंट थियूं थी वञनि, ऐं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ जी इहा जेका ॻाल्हि आहे उहा बुनियादी तरह उहा सही थो चवनि, त बेसिकली सियासी पार्टियुनि खे उहो टोन न रखणु घुरिजे जंहिंजे करे उन जा कारकुन वोटर ऐं सपोर्टर जेके आहिनि उहे एॾा इग्नाइट थियनि जो उहे हिक ॿिए खे क़तल करण ताईं हलिया वञनि। मुंहिंजे ख़्याल में इहा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असांजे सियासतदाननि खे, असांजे उहे जेका उनजी टॉप लीडरशिप आहे पोलिटिकल पार्टीज़ जी, उन्हनि खे, उनखां अलावा पोइ जेका असांजा जेके कैंडिडेट्स आहिनि इलाइक़नि जा, उन्हनि खे इहा ॻाल्हि बाक़ाइदा ज़हन में रखणु घुरिजे त हीअ सभई माण्हू हिकिड़े ई मुल्क जा रहवासी आहियूं, हीअ असां को जंग जे मैदान ते बीठल न आहियूं जो हिक ॿिए खे क़तल करण जे लाइ माण्हुनि खे उहो कयूं। असांखे इहा ॻाल्हि माण्हुनि खे ॿुधाइणी पवंदी त हीअ हिकिड़ी सिहतमंद क़िस्म जी सरगर्मी आहे, उनखे सिहतमंद रूल्स जे मुताबिक़ असांखे उहो खेॾणु घुरिजे, या इलेक्शन जी चूंड जी जेका रांदि आहे, जेकॾहिं असां उन रूल्स ऑफ द गेम्स खे छॾे जेकॾहिं असां इन तरह हलिया वेंदासीं त पोइ उहा एनिमिटी दुश्मनी ते हलिया था वञूं। पर बदक़िस्मती सां अञा ताईं असांजूं सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे इन तरह जो पंहिंजे उन्हनि जी तयारी नथी थिए, ऐं उहे बाक़ाइदा हिकिड़े बिल्कुलु ईअं थियो सम्झनि त जंग जे महाज़ ते बीठल आहिनि, ऐं उहे कारकुननि खे एॾो चार्ज करे छॾनि थियूं जंहिंजे करे उहो थिए थो। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका आहे त हीउ जेको वाक़ियो थियो आहे पंहिंजो नाज़िमाबाद जे अंदरि, इन वाक़िए जो सबबु जेको आहे उहो असांखे सम्झ में अचे थो। सम्झ में छाकाणि अचे थो त कराची जेको आहे वॾे अरसे ताईं मुतहरको मूवमेंट जे हुन में रहियो आहे, कंट्रोल में रहियो आहे, पर 2018 जी इलेक्शन में छा थियो जो उते PTI 14 सीटूं खटे वई ऐं मुतहरको मूवमेंट कुल 7 सीटुनि ते वञी बीठी। हाणे उहे 7 सीटूं ऐं 14 सीटूं, हाणे इहा सूरत हाल हुई। हाणे उहो जॾहिं PTI बैक फुट ते वई आहे ऐं हुनजे ख़िलाफ़ हिकिड़ो जेक जी शिकायत तव्हां उनखां सवाल बि पुछो ब्रिगेडियर साहब खां, त लेवल प्लेइंग फील्ड हुनखे न आहे, हुननि खे जेको आहे पार्टी तौरु हुनखे जेको आहे असेंबल न आहे, उन जेको मुख्य जेको बानी आहे उहो हिन वक़्तु जेल में आहे, त उहो जेको कैंपेन हुनजा बानी हलाईंदा हुआ उहो न पई हले। हाणे उन कैफ़ियत में पंहिंजो जेको आहे मुतहरको मूवमेंट चाहे थी त असां रिवाइव कयूं, मुतहरको मूवमेंट वरी पंहिंजो जेके मर्जर बि थिया आहिनि छाकाणि त मुतहरको मूवमेंट हिसनि में विरिहाइजी वई हुई, बादराबाद ग्रुप अलॻि हुयो, PIB ग्रुप अलॻि हुयो, ऐं मुस्तफ़ा कमाल त पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी वञी ठाही हुई। हाणे हिन लोकल गवर्नमेंट में बि हिसो न वरितो, हिनजे करे जो उन वक़्तु हिन जो ताज़ो मर्जर थियो हुयो, उते उन वक़्तु टिनी ग्रुपनि जा जुदा जुदा उमेदवार बीठल आहे, त उन वक़्तु फ़ैसिलो न करे सघिया। हाणे मुतहदा चए थी त जॾहिं स्पेस बि थियो आहे ऐं उहो स्पेस असां उहो वैक्यूम जेको आहे असां फिल कयूं, ऐं इन अरसे में इहो थियो आहे त पीपुल्स पार्टी कराची में पंहिंजो बेस जेको आहे उहो एक्सपेंड कयो आहे। हिकिड़ो सबबु इहो आहे त हुन हुकूमत आहे, उन्हनि तरक़ियाती कमु कराया आहिनि, ऐं उनजो असांखे मज़हर नज़र आयो, असांखे जेको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुया 2015 जा, उन में असांखे नज़र आयो त पीपुल्स पार्टी 2023 जा इलेक्शन उन में पीपुल्स पार्टी जेको आहे कराची जे 25 मां 13 टाउन खटिया आहिनि 25 मां, त माना कराची जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौरु हू आई। 246 मां 100 जेको आहे उन्हनि पंहिंजो 104 जेको आहे उन्हनि यूनियन कमेटियूं खटियूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौरु उहा आई। हाणे पीपुल्स पार्टी क्लेम करे थी त असां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आहियूं, MQM चए थी त न असां जेको 2018 खां पहिरीं जेका असांजी पोज़ीशन हुई त असां उहा बहाल कयूं, ऐं जमात इस्लामी अञा टियों तरफ़ उहा उनजी बि कल्ह जेका तकरीर हुई जेका पंहिंजो उन ॾींहुं जेका जमात इस्लामी जलसो कयो पंहिंजो बाग़ जनाह वटि, उते जेको हाफिज़ नईम रहमान साहिबु जेका तकरीर हुई उनजी तकरीर मुस्तफ़ा कमाल साहिबु जेके तकरीरूं करे थो पियो, उन्हनि तकरीरुनि में तव्हांखे बिल्कुलु उहो जेको 80 जे ॾहाके में जेका कराची जे अंदरि 90 जे ॾहाके जे अंदरि जेका कराची जे अंदरि जेका सियासत थींदी हुई ऐं जिंगोज़म जेको आहे ऐं मारधाड़ वारी जेका सियासत आहे, इहे कर देंगे वो कर देंगे, कमज़ोर मत सम्झो इहे मत सम्झो वो कर देंगे, त उहा ॿोली हाणे ॻाल्हाइणु हिननि शुरू कई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त इहा ॿोली न ॻाल्हाइणु घुरिजे, मुस्तफ़ा कमाल साहिबु जेको चए थो पियो ऐं
मुस्तफा कमाल साहब एक गाल कई आयशा वो डाडी दिलचस्प आ हु चे तो थेतरे अरसे खांडी कराची ते राज जो कब्जो हो राज जो कब्जो भई राज जो कब्जो कह जो हो उनी राज कब्जे जे करे त ही मेयर थयो हो जगे इन गाल इनी जी गाल के मुस्तफा कमाल साहब मेयर थयो हो इन जे करे थयो जो राज जो कब्जो हो सही मुस्तफा कमाल साहब सेनेटर थयो हो इन जे करे थयो जो राज जो कब्जो हो ही जको 88 खां वठी एको हुकूमत में रहा इन जे करे थिया जो राजो कब्जो हो जब बेनिफिशरी त ही इन वक्त मुतहदा जेका वेठी आ मुस्तफा कमाल हुजे फारूक सत्तार हुजे पजो अनीस कायम खानी हुजे या पजो जको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हुजे ये सभी उन्हीं दौर जा बेनिफिशरीज हैं जै दौर के मुस्तफा कमाल साहब चे तो इतरे अरसे खां वठी राजो कब्जो हो उन्हीं जो बेनिफिशरी ही सभी मानो हैं उन्हीं के जकने वाकई मनन था तो राज कब्जो हो तो भाई हे तो बेनिफिशरी इन के राज कब्जे वाले दौर खां के सुजानी तो केर हो तें करे ही या जक बोली आ है या खुद टोन डाउन करनी पोंदी जी यकीनी तौर ते पीपल्स पार्टी खे भी पंजी قیادت खे उनन जी قیادت खे भी इंतहाई एहतियात खां कम वठणो पोंदो छकाण त ही मुल्क जको आ है सबनी मानन जे लया ही शहर जको कराची आ है वो तो इंतहाई वोलेटाइल आ अस कराची शहर में दिसुं था पया तो कराची शहर ढा दुख डिठा ईशा पाकिस्तान में शायद ही अड़ो को बदकिस्मत शहर हुए जै एडा दुख डिठा होजन मुख्य याद आ तो पूरो 80 जो दहाको जो है असा 90 जो पूरो दहाको मार धाड़ ही जो है पंजो चाइना कटिंग ही हड़तालू ही जो है पंजो वाहूं ही जो है फायरिंग ही धमाका केड़ो उहा गाल आ है पोवरी स्ट्रीट क्राइम मतलब कराची जा मानू केतरन दहाकन खा वठी परेशानी आलम में रहन हाने मनी ही थोरो टाइम आ जे में असा सुकून सा रहू था कराची जे अंदर 1.5 करोड़ शहर आ 2 करोड़ जो उनमें असा सुकून सा रहू था सियासी पार्टियन जी जिम्मेवारी आ पाकिस्तान जे इन सब खा बड़े शहर जे शहरन के सुकून सा रहन देन पंज ननन पेटी मफादन जे करे उओ माहौल न ठान जो शहर वरी जो का पंज उन बाह जे वर चढ़ी वने मुझे ख्याल में त जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज या पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जी का यह गाल है अस लाह अमल ठाए छो ट्रेनिंग दे ट्रेनिंग्स लाह अमल की कड़ी आयो तुम चो था लेवल प्लेइंग फील्ड की गाल कही भाई लेवल प्लेइंग फील्ड अस नजर कान पी अचे ठीक है सर इन से रिलेटेड जो है सर हारिस नवाज साहब ने वनू था सर सर आप बताइएगा कि पाकिस्तान ईरान के वज़राए ख्वारजा के दरमियान जो मुलाकात हुई है ये एक अच्छा पैगाम गया है आप क्या कहेंगे इस पर आई थिंक ये बहुत ही खुशाइन बात है मुझे बहुत खुशी है कि दोनों ममालिक ने बहुत खुश असलूबी से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर कर लिया लेकिन पाकिस्तान की रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक थी टाइमली थी और वो प्रूफ हुआ कि पाकिस्तान ने जब वहां पर अपने दहशत गर्दों को वहां मारा है और फिर मारंग ग्रोजों को एक्सेप्ट किया कि वहां पर तमाम पाकिस्तानी दहशत गर्द मारे गए हैं और उनमें वो लोग भी थे शामिल थे मिसिंग पर्सन के नाम लिए जाते हैं आई थिंक ये बहुत जरूरी था तीसरा मुल्क बाकी जो भारत को बहुत तकलीफ है हर हर मौके पर चाहता है कि पाकिस्तान और हमारे ईरान के ताल्लुकात खराब हों इसलिए ये बहुत ही दानिशमंदाना फैसला था प्रोफेशनल तरीके से हमारे फॉरन ऑफिस ने इसको डील किया और वहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं आपस में डिस्कस किए हैं तमाम गलतफहमियां दूर हो गई हैं और हालात को नॉर्मलाइज हो गए हैं ये पाकिस्तान के लिए इस खत्ते के लिए तमाम इस्लामिक कॉलेज के लिए बहुत खुशाइन बात है और मुझे बहुत खुशी है ये बहुत खुश भी समस्या हल हो गया ठीक अच्छा सर ये बताइएगा कि इलेक्शन के दिन भी अमन अमां की सूरत हाल अगर खराब हुई तो आपने क्या जो है हिकमत अमली जोड़ी है देखें इससे कोई डाउट नहीं है चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान सिंध के बहुत क्लियर ऑर्डर हैं और हम मेरे भी अपने क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं मैंने पुलिस को रेंजर्स को तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं सबको बता दिए कि वी हैव टू इंश्योर फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और किसी पार्टी को हमने फेवर नहीं करनी है हमारा काम है कि इलेक्शन पाकिस्तान की मदद करें उनको स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के अंदर उनकी मदद की जाए जो जो उनकी प्रॉब्लम है हम दूर की जाए जिसके लिए हमने रेंजर्स को पुलिस को और उसको आर्मी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे दी है उसके मुताबिक काम किया जाएगा थैंक यू सो मच सर आवाज न्यूज को टाइम देने के लिए नाजरीन वठूता एते को शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन जी तो अवा के बुधाइंदा हलू हैदराबाद डिवीजन में चूंडन जो सिलसिलो जारी है सर अवा छा चंदा साकिब भी असा सा लाइन ते मौजूद है जी पर जो साकिब के भी भली कार चंदा प्रोग्राम में
बल्कि शुरुआत ही साकिब खान की। साकिब, सूरत हाल है हैदराबाद जिले की, जो है खास तरह कासिमाबाद वो तक जो है जिते जाम खान शोरे अयाज लतीफ़ पलियो साहब के विच में मुकाबलो है, उन्हीं तक के बारे में नाजरीन के थोड़ा अपडेट कर जो। जी बिल्कुल, अवजी वही मेहरबानी बुधा कासिमाबाद जो जो तक है ओ पी एस 60 है, जिते जो है हमेशा जो है उत वो दंगल है। इन दफे जो है उन ही पी एस 60 वाले तक जो है जाम खान शोरो अयाज लतीफ़ पलीजे के विच में जो है वो दंगल थे पो। इन हवाले से मैं बुधा तो जो कासिमाबाद जो तक है इनके कौम परस्त जो तक जो गढ़ समझो वो है, उन गढ़ में जो है पीपुल्स पार्टी जो हमेशा कामयाब थी रही है। पर इन दफे जो है अयाज लतीफ़ पलीजे के जो जी डी ए की तरफा जो वो उम्मीदवार जो नामजद किया है, जैसा बाद में अयाज लतीफ़ पलीजे के हक में केतरा कॉम्परस्त जमायतू और जी डी ए जे अगवान कुछ हुआ बीठल उत उन्हें उन हक में जो दस्तबरदार थी हथ खी वह साकिब बुधाजो नाजरीन पार्टी उम्मीदवार हुआ जो हथ खी वह। जी जी बिल्कुल, मां के बुधा तो इनो कादिर मख्शी जमायत जो अगवान हुए उन हथ खो है, महबूब अबड़ोस उन हथ खो आज़ाद उम्मीदवार चार उन्हें भी जो अज भदर चन्ना जो उन भी जो डॉक्टर अयाज लतीफ़ पलीजे के हक में जो अज हथ खो है, उन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उनके सपोर्ट करने की भी हिमायत कई है। इन अलावा तुम बुधा तो जी कासिमाबाद के हद में जो पी एस 60 के हद में जी गोठ अचन करण खान अच्छा गोठन ते पहुंच हालूं पंजो साकिब साकिब यो जो तहां गाल बुधाई इनके थोड़ो कंप्लीट करे वठूं तो जेके नुमाइंदन जन हथ कयो आ वो जेके कैंपेन हलाइन पिया उन्हीं कैंपेन जे अंदर वो सपोर्ट आहे अयाज लतीफ़ पलीजो के, मिसाल तौर तरक्की पसंद पार्टी जा कारकुन उन इलाके में अयाज लतीफ़ जी कैंपेन हलाइन पिया, या सिंध यूनाइटेड पार्टी जा माण्हू उते उनकी कैंपेन हलाइन पिया, या जेको आहे अगे भेरे तहांखे याद हूंदो साकिब त इन्हीं तक ते पीटीआई जो उम्मीदवार भी चंगो खासो वोटन जो अंग खयो, इन भेरे पीटीआई जो उम्मीदवार को बीठो आ उते। जी बिल्कुल, बाबा के बुधा तो इन दफे जो पीटीआई जो उम्मीदवार तो को बीठल पर वो आज़ाद हिस्से में जो उम्मीदवार वो बीठल है, पर जे एस टी पी एस यू पी जे उम्मीदवार जो बीठल हुआ उन्होंने जो हथ खा उ हथ खा बाद में जो डॉक्टर कादिर मख्शी का वर्क के दौरान जो गड हूँ मुकम्मल तौर पर वो डोर टू डोर वही वर्कर अथन उनके यू चवन पाया तो डॉक्टर अयाज लतीफ़ पलीजे के जो है वो वोट दई कामयाब कराइंदा। इन वक्त भी जो अयाज लतीफ़ पलीजो जो कासिमाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकन में फेरिश नगर सिद्दीकोट जो भी इलाका उनमें वही कर वर्क मोम जो उन्हें तेज कर छी है, छो जो कुछ ही दिन इलेक्शन में रही वह। अच्छा कादिर गुफ्तगू कई पे मैं चाहम तो उन्हीं अस नाजरीन के बुधा तो बुनियादी गाल कई तो हि तक जो बुनियादी तौर से अड़ो तक आ जिते सिंध की कॉम्प्रेस सियासत जो मरकज इतने रहे तो उनका घर भी इतने उन ऑफिस भी उते हैं, पर जैसे इलेक्शन थे थी तो वो पीपल्स पार्टी के सामू जो वो क्लोज मार्जन से भी ना अचन। गुजरल इलेक्शन में भी अयाज लतीफ़ पलीजे साहब एंजो जाम खान शोरे साहब के विच में वोटन जो चंगो खासो तफावत हो फर्क हो, इन्हीं जो सबब आ तो हि जो है कॉम्प्रेस सियासत जो मरकज होने के बावजूद भी सभी पार्टी गजी भी वेझो न पहुंचन। जी बिल्कुल, इनको यो सबब है तो कासिमाबाद जो है कॉम्परस जमायतों जो गढ़ तो समझो वो है, पर कासिमाबाद में जो है जो आबादी रहे थी वह सिंध के बेन शहर जी आबादी से रहे थी, जी इलेक्शन जो वक्त वेझो इंदो है तो पांजे इलाकन में वही उत वोट दियनता उन कॉम्परस जमायतू जो कामयाब न थी सकन। कॉम्परस जमायतू हर दफे इन दफे भी जो अयाज लतीफ़ पलीजो यो ही पे तो धांधली थी पीपुल्स पार्टी जो है वह खटे, पर चवण है जो उम्मीदवार कामयाब कर पर एस टी पी एस यू पी समेत जो जी डी ए से जो इतिहादी जमायतू हैं उन्हें जो असेंगे मुकम्मल तौर पर हिमायत तो नजर अचे थी, पर अयाज लतीफ़ पलीजे के तरफा जो वर्क मुहम हल पी तो उनमें जो उन मूँ हैं वो एतो अंग नजर न पे अचे जो होजन घुर्जे जो जाम खान शोरे अच्छा पे तक में यो कासिमाबाद जो एरिया है जैसे कासिमाबाद चूं था जे अंदर जो है जे मू रहन था जिन बारे में तुम चो तो अक्सर उ मुख्तलिफ़ जिलन का आयल मून जे उन्हें अची उत रहन था के रोजगार के करे के पढ़ाई के करे बारन की पढ़ाई के करे
के पंहिंजी पढ़ाई जे करे। बहरहाल उहो जॾहिं इलेक्शन या ईद जा मौक़ा अचनि था त उन मां उन्हनि जी वॾी अक्सर जेका आहे उहा पंहिंजे ॻोठनि हली वञे थी पई। पर इते एतिरो जो वोट पए थो त उहो वोट आख़िर कहिड़नि पंहिंजो केरु वोट ॾिए थो पियो? ॿिया के इन कासिमाबाद जे इन जेको नंढिड़ो टाउन हो अॻे हुयो उन खां अलावा के ॿाराड़ी जा ॻोठ बि हिन सां शामिल आहिनि, उन जा थोरा तफ़सील असांजे नाज़रीन सां शेयर कजो। जी जी बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त ॿेराड़ी जा ॻोठ जीअं करण खान छोरो आहे, उन खां अलावा सूमरा सुरेश नगर जे इलाइक़े में जेको ॻोठ ॿेराड़ी लॻे थी, कच्छी आबादी जेका आहे वॾे तइदाद में उहा इन कासिमाबाद जे हथ में लॻे थी। इन खां अलावा त मतिलबु सूमरा ॻोठ बि आहे ऐं करण खान छोरो जाम खान छोरो जे जेको ॻोठु आहे उहो बि हिन हथ में लॻे थो। उन जे हवाले सां जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी जेका उहा कामयाबु थिए थी, पर जेको कासिमाबाद जो मेन जेको शहरु आहे, कासिमाबाद जिते ठहियलु आहे मेन विच शहरु, उन में जेको आहे घणी आबादी जेका आहे असांखे ॿियनि शहरनि जी नज़र अचे थी, पर इलेक्शन जे टाइम उहो हलिया था वञनि, जंहिंजे करे जेको अच्छा भला पीटीआई जो उम्मीदवार जेको तव्हां चयो त उन जी कैंपेन भली उहो आज़ादु बीठो आहे, पर जिते ॿियनि इलाइक़नि में कैंपेन उहा हलाइनि पिया पंहिंजी पार्टी जा झंडा खणी, उन्हनि जी मोबिलिटी उन्हनि जो तारुफ़ केतिरो आहे उते? जी जेकॾहिं पीटीआई जी असां ॻाल्हि कयूं त पीटीआई जी जेका वर्क असांखे गुज़िरियल इलेक्शन में असांखे नज़र अचे पई, हिन दफ़े जेका आहे उहा पीटीआई जी वर्क जेका आहे उहा तमामु घटि नज़र पई अचे। त उन पीटीआई जो उम्मीदवार जो बि इहो चवणु आहे त असां आज़ाद हिसे में बीठा आहियूं ऐं उन जो चवणु आहे त असांखे जेको आहे जेको निशान उहो न मिलण जे करे जेको आहे अवाम जेको आहे उहो चटियो आहे, जंहिंजे करे हुनजो चवणु आहे त असां पीटीआई जे आज़ाद उम्मीदवार जो निशान त चलो तव्हांजी वॾी महिरबानी, पंहिंजो साकिब कुबर साहब तव्हां अपडेट कयो। जी ॾाढी दिलचस्प पंहिंजो ईशा, इहो तक सॼी सिंध जो महवर ऐं मर्कज़ आहे। तव्हां ॾिसो था सोशल मीडिया ते ॿ टे तक अहिड़ा आहिनि जंहिंजे बारे में ॾाढो ॾाढी ॻाल्हि ॿोल कई पई वञे ऐं बार बार अपीलूं कयूं पियूं वञनि। नूरलोदा शाह खां वठी सिंध जो अदीब दानिश्वर उहो चवे पियो ऐं सिंध जा जेके सञा वंदा आहिनि उन जो बाक़ाइदा इहो पियो अचनि त अयाज लतीफ़ खे उहो असेंबली में ॾिसणु चाहिनि था, डॉक्टर कादिर मक्सी खे असेंबली में ॾिसणु चाहिनि था, सैद ज़ैन शाह खे असेंबली में ॾिसणु चाहिनि था। इहे ॻाल्हियूं ॾाढियूं फैसिनेटिंग त आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे असां सभई उन जद पंहिंजो हुन मां निकिता आहियूं सियासी कारकुन जी हैसियत में, असां बि पंहिंजे यूथ में एक्टिविज़म कई आहे। पर मसिलो इहो आहे त इलेक्शन जी सियासत जेका आहे उहा उन जा डायनामिक्स ॿिया थियनि था पिया, उहा डायनामिक्स पूरा करण लाइ उन जे लाइ जेका असांखे खपे उहा जेका तयारी खपे, बदक़िस्मती सां उहा तयारी असां जा कॉम्प्रेस जेके आहिनि सियासतदान उहा उन तरह जा न करे सघिया आहिनि। ॿियो त हीअ ज़ाहिर आहे उहा एंड ऑफ द डे हिन भेरे जेको नुक़सानु थियो आहे कॉम्प्रेस सियासतदान खे उहो इहो बि थियो आहे त जी डी ए जो झंडो जेको बैनर जे तहत उहो बीहनि था, माना सैद ज़ैन शाह जेको अॻे एस यू पी जे पारां बीहंदा हुया ऐं मुंहिंजो ब्रदर सैद जलाल महमूद शाह साहिबु, हिन भेरे जलाल महमूद शाह साहिबु जाम शोर तक त न बीठा आहिनि उनजी जाइ ते, उनजा भाणेजा आहिनि पंहिंजो सैद मुरीर हैदर शाह, उहे एम एन ए जी सीट ते बीठा आहिनि, एम पी ए जी सीट ते बीठा आहिनि। उते बि जेको आहे ज़ाहिर आहे उनजो साम्हूं मुक़ाबिलो जेको आहे मलिक असद सिकंदर साहिब जो आहे, जो फर्ज़ंद मलिक सिकंदर जेको आहे उहो बीठल आहे। हाणे इहो तक बि ॾाढो ॾुखियो आहे पंहिंजो खटणु, छाकाणि त उते पंहिंजो साईं जी एम्स जे वक़्त खां वठी इहो मुक़ाबिलो थींदो थो अचे ऐं ॾाढो ॾुखियो थो थिए। हल्को आहे उमी हिमायत याफ़्ता सन ज़ाहिर हिकिड़ो वॾो मर्कज़ आहे ऐं कॉम्प्रेस सियासत जो ऐं उते सिंध जे अदीबनि दानिश्वरनि जो बि इज़हार आहे, उहो हुननि जी पंहिंजो सन सां जेको हिकिड़ो दिली लॻाव हुजे थो पियो। पर इलेक्शन जी डायनामिक्स पॉलिटिक्स जा डायनामिक्स इहा आहिनि त साईं जी एम्स जे वक़्त खां वठी अॼु ताईं उहो मलिक जेको ख़ानदान आहे उहो इन इलाइक़े जे अंदरि जेको आहे इलेक्शन जी सियासत ते उहो हावी आहे। समूरियुनि कोशिशुनि जे बावजूदि उतां उहा सीट बि कढणु ॾुखी आहे। बाक़ी जेको आहे डॉक्टर कादिर मक्सी साहिबु जेको टंडे मोहन ख़ान में वञी बीठा आहिनि, इहो बि हैदराबाद डिवीज़न जे अंदरि अचे थो पियो, उहो बि डॉक्टर साहब पहिरें शुरुआत कई कासिमाबाद। अच्छा सर, प्रोग्राम कंटिन्यू रखूं था, ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो ऐं साकिब कुबर खे असां हालाफ़िज़ चवंदासीं, हू असां सां कनेक्टेड हुयो। सो नाज़रीन वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे चूंडनि जे हवाले सां डिस्कशन असांजो जारी आहे। असां सां रिपोर्टर बदीन मां मौजूदु आहे यूनस बकारी। जी सर, जी यूनस आवाज़ अचे थो? जी आवाज़ अचे पियो।
बदीन जिले में कड़े हंधे तक सख्त मुकाबला नजर अचन था कौमी असेंबली जहाँ ब तक सूबाई असेंबली जहाँ पंज तक जी बिल्कुल बदीन में कौमी असेंबली ब तक 222 220 सख्त मुकाबलो है 223 से है बुझाइंदा हलो तो बदीन के कौमी असेंबली 222 से मीर गुलाम अली चांदपुर पीपल्स पार्टी जो मजबूत उम्मीदवार है जैसे तो उनके सामू मीर गुलाम अली के सामू मीर हुसैन चांदपुर जीडीए जो उम्मीदवार है अलावा जो 223 तक है उनमें जीडीए तरफा डॉक्टर सैनी का मिर्जा है पीपल्स पार्टी तरफा सरदार रसूल बख्श चांडियो है अच्छा पीटीआई जी तरफा को है या न जी बिल्कुल है पीटीआई तरफा अजीजुला डेरो है जैसे आजाद उम्मीदवार सरदार कमाल खान चांग है अच्छा पंजो यूनिस कमाल खान चांग जे बिहण जो नुकसान कें के आए खान चांग बेसिकली पीपल्स पार्टी जो मानो हो जो आजाद बी रहो है उन जो नुकसान पीपल्स पार्टी जो ही थी सके तो त डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा अगे भेरे भी यहाँ सीट खटी हुई छा कमाल खान चांग जे बीहण सा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जी सूरताल वधीक मजबूत थींदी मुकाबलो 1-2-1 आहे छो त सरदार रसूल बख्श चांडियो जी बि जेका पोज़ीशन हो मजबूत आहे ऐं कमाल खान चांग चांगण ॿिन्ही धुरियुनि सां गॾु रहियो आहे इन करे कमाल खान चांग जो को घणो नुक़सान पीपल्स पार्टीअ खे नथो थी सघे पर ॿिन्ही धुरियुनि जा कुझु वोट हुन ॿिन्ही पासनि खां वेंदा अच्छा सूबाई असेंबली तकन में तांके सब का वधिक टफ कंपटीशन केड़े तक ते नजर पियो छे सूबाई असेंबली जे जो को तक नंबर आहे 71 बदीन आई 70 कंडो बागो इन बदीन शहर वारो बदीन शहर वारो जी बदीन शहर वारो ए टंडे बागियारो ये टंडे बागियारो 70 बाकी ता सब जो ता मातली है पजो कड़े गावर तकन ते उते पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल आ जी हाँ छाकाणि मातली में जेको आहे उहो ॾाॾा मोहम्मद हाले पोटो आहे ऐं उनजी पोज़ीशन मज़बूत आहे बनस्पत ॿियनि उमेदवारनि जे ऐं उते एतिरी इलेक्शन जो ज़ोर शोर नज़र नथो अचे ऐं जेको मोहम्मद इस्माइल राहू आहे 72 तक ते गोनारसी वारे ते उन जे साम्हूं जी डी ए जो आहे आज़ाद अमीर पंवर तव्हांजे ख़्याल में इहा इन तक ते गुज़िरियल भेरे त डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा पाण बीठा हुआ जी बिल्कुल डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा पाण बीठा हुआ इस्माइल राव के साम्हूं पर इस्माइल राव वॾी अक्सरियत सां खटियो हुयो इहो तक हाणे पंहिंजो टंडे बागियारे तक ते गुज़िरियल भेरे शायदि मिर्ज़ा ग्रुप खटियो हुयो उहो हसनैन मिर्ज़ा एम पी थिया हुआ गुज़िरियल टे इलेक्शन में मिर्ज़ा ग्रुप खटंदो रहियो आहे टंडो बागो तां हिन भेरे हुते का तब्दीली तव्हां सम्झो त छाकाणि मकानी इदारनि जूं जेके चूंडूं थियूं 2015 में जेके चूंडूं थियूं हुयूं तॾहिं बदीन ज़िले में मिर्ज़ा ग्रुप जी जेका लोकल गवर्नमेंट जे चूंडनि में जेका सूरताल हुई काफ़ी बहितर हुई हिन भेरे 2022-23 जूं जेके लोकल गवर्नमेंट जूं चूंडूं थियूं मिर्ज़ा ग्रुप जेके 10 टाउन हाराया उन खां अलावा ॿई म्यूनिसिपल कमेटी जे अंदरि सवाइ बदीन जे ॿिनि वार्डनि जे म्यूनिसिपल कमेटीज़ में बि हो का बूटो न वारे सघो त हिन जनरल इलेक्शन में हुनजो छा इम्पेक्ट तव्हां ॾिसो था जी जनरल इलेक्शन में बि छाकाणि जो डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जेको लोकल गवर्नमेंट वारे टाइम ते हिन दफ़े एॾो वॾो कमु न कयो त लॻे थो त हिन दफ़े जनरल इलेक्शन में बि पीपल्स पार्टी जी जेका अक्सरियत नज़र अचे पई पर छाकाणि जो हींअर जेका पोज़ीशन आहे बदीन में ज़्यादा उमेदवार बीहण जे करे ऐं पीपल्स पार्टी जा पंहिंजा उमेदवार आज़ाद तौरु बीठा आहिनि हिन जे करे नुक़सान थी सघे थो अच्छा किथे पीपल्स पार्टी जा आज़ाद उमेदवार बीठा आहिनि कमाल खान चांग खां अलावा ॿियो कहिड़ो उमेदवार आहे जेको बदीन ज़िले में बीठल आहे बदीन जे पी एस बदीन खुद जेको आहे 71 उन ते पीपल्स पार्टीअ जो कमाल खान चांग पी एस ते बीठल आहे जिते हुनजा वोट काफ़ी आहिनि ऐं हुन सां गॾो गॾु सरदार अनवर मल्हा जेको मल्हा बिरादरी जो अॻुवाण आहे छो त हुनजे साम्हूं पीपल्स पार्टी जो ताज मोहम्मद मल्हा आहे त माना जेका मल्हा बिरादरी जो वॾो वोट आहे उहो 50-50 थी सघे थो अच्छा अनवर मल्हा ताज मल्हा साहिब कहिड़े तक ते मुक़ाबलो पी एस 71 बदीन मतिलब अनवर मल्ला ताज मल्ला कमाल चांग ऐं पंहिंजो मिर्ज़ा ग्रुप जे पारां केरु बीठल आहे माना पीपल्स पार्टी जा हिते टे माण्हू बीठल आहिनि माना कमाल खान चांग नाराज़ ऐं पंहिंजो अच्छा इहो दा काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल आहे ईशा तव्हां उन खां पोइ बदीन जे हवाले सां कुझु पुछणु चाहियो नो सर थैंक यू सो मच ॾाढो दिलचस्प आहे बदीन ज़िलो जीअं मूं ॿुधायो पए त जेका गुज़िरियल भेरे जेका लोकल गवर्नमेंट थी हुई उन लोकल गवर्नमेंट जे अंदरि मिर्ज़ा ग्रुप तमामु वॾो जेको आहे बदीन जी म्यूनिसिपल कमेटी जेका आहे उहा मिर्ज़ा ग्रुप खटी हुई
पर उन्होंने वट पार्टी ना हुई तो ला मुताबिक उते पार्टी चेयरमैन चुनण ले पार्टी जो होजन जरूरी हो। अच्छा कॉम्प्रेस पार्टी में को आ है जो पीपल्स पार्टी के टक्कर दे सके बदीन में? बदीन में को वणा बदीन में उन बुधायो ना तो एकरो ही कॉम्प्रेस उम्मीदवार आ है जो पंजो गोलाची वाले तक ते आ है अमीर आजाद तावर सिंध यूनाइटेड पार्टी जो मुझे ख्याल में जनरल सेक्रेटरी आ है वो जीडीए के प्लेटफॉर्म पर बैठो आ है पर उन जे सामो जो पंजो उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी जो वो भी कॉम प्रस्तन जो वो पील पाव आ शहीद फाजिल राहू जो फर्जंद जनाब इस्माइल राहू साहब उन गुजरल भेरे खुद मिर्जा जुल्फकार मिर्जा के भी जेका बुधायो पे असन जे रिपोर्टर तो वडे वोटन ते शिकस्त दी हुई तो इन उन भेट में ही उम्मीदवार ओडो मजबूत ना है तेकर होते बो इन जो हो मिर्जा ग्रुप जैसे मैनेज कर वे हाँ कमाल चांग के पान से मिला वे हाँ तो शायद मिर्जा ग्रुप की पोजिशन बेहतर थे पर कमाल खान चांग बजाय जो मिर्जा ग्रुप में वन अलहदा रह अख्तियार बेहतर समझो आए नाराज उम्मीदवार तौर वो ऑपरेट कन पाकर उतने कॉम्प्रेस अगवाण के हवा से यो जड़ो को खास हो मुकाबलो ना को। अच्छा सर बुधाय जो तो पीपल्स पार्टी हाड़े हन इलेक्शन में वधिक सीटू खणी सकंदी या ना सो यो थाने एड़ो सवाल आ जें लए मिलियन डॉलर क्वेश्चन आ यो मतलब बात है जेका सूरत हाल आ ईशा हुआ लगे या ना सूरत हाल के दिसी करे आ बुधायो यस सूरत हाल जेका है वो आ त टफ मुकाबला है हन बेरे जी हिन भेरे काफ़ी सख्त मुकाबला है पीपुल्स पार्टी कंफर्टेबल भी आ है घणनि जायुनि ते घणनि जायुनि ते उन्हनि जी मैनेजमेंट जेका इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जी जेका मैनेजमेंट आहे उहा पीपुल्स पार्टी जी तमामु स्ट्रांग आहे सिंध जे अंदरि ऐं उन हवाले सां पीपुल्स पार्टी कंफर्टेबल आहे मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां जेका ॻाल्हि कई आहे सीटूं वधाए सघे थी पीपुल्स पार्टी ऐं उनजो सबबु इहो आहे त जेका असांजे पीपुल्स पार्टी जी मुखालफ़त में जेके माण्हू बीठल आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जा माण्हू आहिनि हिकिड़ा त असांजा कॉम्प्रेस सियासत जा जेके मुख़्तलिफ़ आहिनि उन्हनि वटि तनज़ीमी सघ न आहे मिसाल तौरु हाणे अवामी तहरीक जेका रसूल बख़्श पलीह साहब जी पार्टी आहे उन्हनि ॾह उमेदवार बीहारिया आहिनि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते इहा ख़ुदि जेको आहे गुलाची वारे तख़्त ते बि उनजो उमेदवार बीठल आहे पर उनजे ॾहनि उमेदवारनि खे किथे डिस्कस कोन पियो कयो वञे छाकाणि त उहे उनजा उम्मीदवार जेके आहिनि उहे इलाइक़नि जे अंदरि वोट बैंक जे हवाले सां उन एज़ अ सियासी कारकुन उन इलाइक़नि में हिकिड़े साफ़ सुथरे सियासी कारकुन जे तौर ते उनजो तारुफ़ आहे ऐं तमामु कमिटेड क़िस्म जे सियासी कारकुन जे तौर ते उनजो तारुफ़ आहे पर वोट बैंक जे लाइ जेको समाजी तालुकदारी खपे जेका उथवे खपे जेका उहो खपे उन्हनि जी जेका उते नज़र ऐं ख़ुदि या उते तनज़ीम जी जेका उन्हनि इलाइक़नि में एॾी स्ट्रांग प्रेज़ेंस हुजे उनजो नेटवर्क हुजे जेको उन सॼे मामले खे मैनेज करे उहो असांखे नज़र नथो अचे तंहिंजे करे अवामी तहरीक खे हालांकि उन ॾह उमेदवार बीहारिया आहिनि सॼे सिंध जे अंदरि पर ॾह जा ॾह जेके आहिनि उहे उमेदवार किथे बि डिस्कस न पिया थियनि कंहिं बि तक ते जीअं मिसाल तौरु पाण अमीर आज़ाद जो नालो डिस्कस कयोसीं पाण डॉक्टर कादिर मक्सी जो नालो डिस्कस कयोसीं पाण अयाज़ लतीफ़ जो नालो डिस्कस कयोसीं साईं ज़ैन शाह जो नालो डिस्कस कयोसीं पर अवामी तहरीक जो आहे हिकिड़ो बि उम्मीदवार कंहिं बि तक ते अहिड़ो न आहे जंहिंखे चइजे त नंबर टू जी लेवल ते अचे या क्लोज कंटेस्ट में अचे तंहिं करे उहे डिस्कस कोन पिया थियनि। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियण वारो आहे। सो नाज़रीन अवां ॾिठो असां गुफ़्तगु कई इलेक्शन जे हवाले सां ॾिसूं पिया अञा अॻियां जेको आहे छा सूरत हाल आहे। सो ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।